अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आपका स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग पे। तो गाइस मैं बहुत बिल्कुल फिट हो गया हूँ, देख लो आप, मस्त बॉडी बना के बैठ गया हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है मेरे पास, बट आपकी दुआओं से मैं बहुत ज्यादा ठीक हो गया हूँ। क्वारंटाइन से भी बाहर आ गया हूँ, बट मेरे रूममेट्स अभी नहीं आए क्योंकि वो घर जा रहे हैं, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं। तो गाइज आज का व्लॉग थोड़ा लेट इसलिए बन रहा है क्योंकि गाइज आपको पता है यहाँ आगरा में सर्दी भी बहुत है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, उसके रीजन ये है मेरे ऑनलाइन पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो मैं बाहर ज्यादा कहीं जा नहीं पा रहा, इसलिए मुझे कोई और व्लॉग नहीं बनाने को मिल रहा। ये दिक्कत है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, पेपर्स वगैरह चल रहे हैं मेरे, तो पेपर तो मिस कर नहीं सकते, पढ़ाई है, बट अपना काम को भी इंपॉर्टेंस देना है। तो गाइज जो व्लॉग थोड़ा लेट आने वाला था वो व्लॉग आपको आज मिलेगा, और वो व्लॉग है स्ट्रीट फूड, आगरा का बेस्ट स्ट्रीट फूड के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां एक प्लेस है आगरा की, चाइना टाउन कहते हैं उसको। अब मुझे नहीं पता उसको चाइना टाउन क्यों कहते हैं, बस इतना पता है क्योंकि वहां पे हर एक वैरायटी जो है चाइना की, मतलब चाइना जो भी डिशेस हैं उसकी मिलती हैं, तो इसलिए हम लोग आज वहां जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड भी आ गया है तो कैमरे से थोड़ा बहुत डर रहा है इसलिए सामने नहीं आ रहा, बट वो बंदा थोड़ा शाई टाइप है इसीलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे भी एक फ्रेंड चाहिए जिसको पता हो यहाँ के बारे में, मैं अकेला तो जा नहीं सकता, अब क्या कर सकते हैं ना। तो गाइज अब डायरेक्ट वहां जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो आपको नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा आगरा का, तो हो सकता है मैं कॉलेज का भी कुछ दिखा दूं। और गाइज आपको जल्दी मिलने वाला है मेरे कॉलेज का टूर पूरा कंप्लीट फुल, इसी मतलब मैं भी इस मंथ में मिल जाए आपको। आई होप कि अगर कोविड के ज्यादा केसेस नहीं बढ़े, फंक्शन हुआ, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, तो चलो। गाइज मैं पहुंच चुका हूं अपनी प्लेस पे जहां पे मुझे आ जाना था चाइना टाउन। तो गाइज आप देख लो काफी भीड़ है, ये जो भी स्टेल्स यहां पे लगी हुई, स्टॉल्स लगी हुई हैं यहां पे, इन सब पे अलग अलग वैरायटी के डिशेस बनते हैं, वो हम ट्राई करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग यहां से देख लो काफी भीड़ भी है यहां पे टोटली, और यहां पे एक अलग है जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अच्छी चीज है वो यहां पे है, पहले हम वहां जाएंगे और उसको ट्राई करेंगे सबसे पहले। बना रहे हैं क्या क्या डालते हो इसमें? धनिया है, प्याज है। इतना तेज से डाल रहा है तो दिखेगा क्या? आहिस्ता डाल थोड़ा सा, थोड़ा आराम से भी तो डाल रहा है। ये क्या डाला था? मक्खन। ये मक्खन, ये मसाला है, ये मसाला, और ये मसाला है, और ये क्या डाल रहा है भाई? ग्रेवी। ग्रेवी है, किस चीज की ग्रेवी है? प्याज, नींबू है, नींबू है, उसको हीट अप करोगे तो फिर सर्व कर दोगे। इस डिश का नाम बताइयो। मसाला चाप। मसाला चाप। हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें ट्राई की आगरा, क्या भाई भाई तू बता दे खुद कौन कौन सी डिश हमने ट्राई की आगरा? शाही चाप, कौन इसके नाम से, एक तो मलाई चाप थी, एक अचार चाप हमारे लिए आपने जो बनाई। और गाइस बहुत ही भाई मेहनत करता है, इसकी स्टॉल है आप लोग देख लो, और इसने नाम खुद भी बता दिया, लेकिन दोनों डिशेज बहुत ही अच्छी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। बट हाँ एक चीज बताऊंगा यार, मुझे जब ये मतलब उसको वो कर रहा था, रोस्ट कर रहा था, तो मुझे एक चीज याद आ गई जो हमारे कश्मीर में सबसे ज्यादा मशहूर है, तो बट वो यहाँ मिलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग नॉनवेज नहीं खाते, बट डिशेस बहुत अच्छी थी। और बाकी आप देख लो मेरे पीछे कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, ये सारी स्टॉल्स चाइना टाउन के नाम से ये जगह मशहूर है।
और गाइज ये रहा इसकी स्टॉल, किसी को आनी हो आना हो यहाँ पे तो इसका ये रहा नेम, आप देख लो इसका बोर्ड भी है यहाँ पे, आप आ सकते हो आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छी जगह है और मतलब हाइजीन का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं खुद, आप देख लो कोई खुद बनाता है हर एक चीज अच्छे से, हर एक चीज बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी सही है। आगरा चाप के नाम से आप लोग आ जाना। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम में, तो आप देख लो मास्क वास्क उतार दिया बाहर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यार मतलब प्रिकॉशंस के साथ रहो जब भी बाहर जाओ। गाइज मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल यार अपनी सेहत का ध्यान रखो, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डेली केसेस ज्यादा पीक पे जा रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, आगरा का मतलब लिमिटेड ही है बट ज्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो गाइज मास्क बहुत जरूरी है, डिस्टेंस रखो। और आपने भी नोटिस किया होगा मैं एक अलग ही मतलब जहां पे मैं व्लॉगिंग करने जाता हूँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, आपको भी होनी चाहिए। क्योंकि यार अगर आप कोई भी पेरेंट्स या कोई बच्चे जो स्टूडेंट है जो बाहर रहते हैं उनको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, तो गाइज मास्क इज बहुत ज्यादा मस्ट, वो जरूर लगाओ। और गाइज एक और चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी जो सबसे ज्यादा स्पेशल, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल उसकी मेंबरशिप जो ज्वाइन की हुई है तो गाइज वो लोग कमेंट्स कर देते हैं कि सरदार भाई मुझसे आप बात नहीं करते, ये नहीं करते, तो गाइज मैं भी थोड़ा बिजी हूं, मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो आप परेशान मत हुआ करो। तो गाइज थोड़ी पेशेंस रखा करो, हैव पेशेंस, तीन बार बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ। अभी देख लो मैं अपने रूम में आया हूँ, मुझे खाना बनाना है, एग्जाम कल के पेपर के लिए पढ़ना है, और कल मेरे दो पेपर हैं, दो शिफ्ट्स मेरे दो पेपर हैं, मेरी भी बहुत बिजी लाइफ है गाइज। और मैं ये सब करता हूँ क्योंकि मेरे अच्छा लगता है ये सब करना, आपके साथ हर एक चीज शेयर करना, तो गाइज परेशान मत हुआ करो। और गाइज जिन लोगों ने मेरा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उनके लिए एक रिक्वेस्ट और है, वो मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे भी, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो लोग भी कर लो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और गाइज दोनों डिशेज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, जो यहाँ की आगरा स्पेशल चाप थी और दूसरी मलाई वाली, उसमें मलाई वाली ज्यादा अच्छी थी क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू आगरा स्पेशल, बट आप लोगों को भी कभी मन हो तो चले जाओ। बट मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता जंक फूड्स को इसीलिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। तो गाइज मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कभी फैमिली के साथ चले जाओ, अच्छी बात है बट ज्यादा नहीं, लिमिटेड ही करना, क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले बीमार हुआ था तो मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी ऑडियंस का बंदा बीमार हो। मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ आप जहां पे हो खुश रहो, सलामत रहो फैमिली के साथ। तो गाइज सारी बातें हो गई आपसे शेयर, अब टाइम आ गया इस व्लॉग को खत्म करने का, तो गाइज अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।